दोस्तों, उच्च शिक्षा, अच्छे विचार तथा खुद कमाए हुए धन का उपयोग अपने लिए करना एक आम बात है, लेकिन इन सभी चीजों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना एक विशेष बात है। ऐसा ही विशेष कार्य करने वाली श्रीमती सुधा मूर्ति जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना करके बड़ा ही सामाजिक योगदान दिया है, और साथ ही में क्या उनसे प्रेरित होकर हम भी छोटा सा ही सही लेकिन कुछ सामाजिक योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। कर्नाटक राज्य के शिग्गांव हवेरी में 19 अगस्त 1950 को सुधा जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर्जन डॉक्टर आर एच कुलकर्णी, माता विमला कुलकर्णी तथा उनके नाना नानी ने उनकी परवरिश की। उनके नाना जी के पास बड़ी जमीन थी, काफी धन संपत्ति थी, लेकिन कपड़े के बस 3 सेट थे। उनकी माता जब चल बसी तब उनके पास सिर्फ 7 साड़ियां थी। ये सब हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि आदमी के पास जितनी कम से कम चीजें रहे, जितनी कम से कम चीजों का वो परिग्रह करे, उतना ही वो सुखी होता है, ऐसा सुधा जी आज भी हमेशा कहती हैं। सुधा जी की शालेय शिक्षा उनकी मातृभाषा कन्नड़ में हुई। बचपन में हमेशा उन्होंने देखा कि उनके नाना नानी गरीबों को बहुत ही सम्मान से देखते हैं, उनकी मदद करते हैं। समाज सेवा की सीख उन्हें उनके पिताजी से भी मिली। उनके पिताजी कितनी भी दूरी से दिन रात के किसी भी समय पर आए हुए मरीज की मदद करने हमेशा दौड़ते थे। वे एक गायनेकोलॉजिस्ट थे। कहते थे, हमारे लिए बस जो एक पेशेंट है वो किसी घर के लिए एक माँ है, और अगर किसी घर से एक माँ चली जाती है तो पूरा घर अनाथ हो जाता है। इन्हीं सब विचारों से बड़ी हुई सुधा जी ने आगे जाके थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना की, और उसके माध्यम से आज वो बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रही हैं। सुधा जी की महाविद्यालयीन शिक्षा BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पूरी होने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस की पदवी प्राप्त की। ये पदवी प्राप्त करते वक्त उन्होंने सुवर्ण पदक प्राप्त किया। शिक्षा पूरी होने के बाद टेल्को जैसी नामांकित कंपनी में नौकरी पाने के लिए उन्हें JRD टाटा से पत्र व्यवहार करना पड़ा, क्योंकि उन दिनों 1974 में किसी इंजीनियर महिला की नियुक्ति करने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं थी। टेल्को यानी आज के टाटा मोटर्स में उन्होंने 1974 से लेकर 1981 तक काम किया, और वहीं पे श्री नारायण मूर्ति के रूप में उन्हें उनका जीवन साथी मिला। शादी के कुछ साल बाद नारायण जी ने चंद दोस्तों के साथ नया बिजनेस शुरू करने की अपनी इच्छा के बारे में सुधा जी को बताया। कोई भी बिजनेस के लिए कैपिटल इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात होती है, लेकिन नारायण जी के पास ऐसा कोई कैपिटल नहीं था। तभी सुधा जी ने अपनी इकट्ठा की हुई सेविंग्स उनको बिजनेस के लिए दे दी, और आज के फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर नारायण जी ने इंफोसिस इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया, और इंफोसिस के बड़े विस्तार के बाद 1997 में सुधा जी ने इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना की। जन कल्याण इस एकमात्र हेतु से प्रेरित सुधा जी गरीब, अनाथ, हैंडीकैप्ड, विधवा, परित्यक्ता आदि सभी लोगों को जीने का नया ढंग सिखाने का काम करती हैं। कई सारे डिस्पेंसरीज, हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, स्कूल्स, साइंस सेंटर्स का निर्माण और
उनका दैनंदिन उपक्रम यही इंफोसिस फाउंडेशन का बड़ा योगदान है। 3,500 लाइब्रेरी शुरू करके बच्चों में तथा बड़ों में भी अच्छी रीडिंग हैबिट्स पैदा करना उनकी विशेषता है। उन्होंने अपने फाउंडेशन द्वारा कर्नाटक राज्य के हर स्कूल में कंप्यूटर देकर बच्चों को बचपन से ही कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त होने के लिए कोशिश की है। उनके इस सामाजिक योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सुधा मूर्ति जी का गौरव किया। इतना धन कमाने के बावजूद भी सुधा जी बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हैं। कमाए हुए हर रुपए का हिसाब रखना वो जरूरी मानती हैं। परिग्रह यानी किसी भी चीज का संचय करने के वे बिल्कुल खिलाफ हैं। इसीलिए आज भी कम से कम चीजों में गुजारा करने के लिए सुधा जी हमेशा तैयार रहती हैं। सुधा जी और उनके पति श्री नारायण मूर्ति जी ने अपने दोनों बच्चों को स्वयं अनुशासन और धन का उचित सम्मान करना सिखाया है। कोई एक्सपेंसिव चीज खुद के लिए खरीदने से अगर वो राशि हम जनकल्याण हेतु खर्च करें तो उसमें कितना आनंद मिलता है, इसकी सीख उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दी है। सुधा जी एक बहुत बड़ी रीडर तो है ही, लेकिन वो एक अच्छी राइटर भी है। आज तक उनकी कई किताबें भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके सभी किताबों की खासियत यह है कि वे सभी कथाएं उनकी खुद की अनुभव से तैयार हुई हैं और इसीलिए वह बहुत ही सच्ची लगती हैं। अभी सुधा जी बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स लिखने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। बच्चों में रीडिंग हैबिट्स बढ़ने चाहिए, ऐसा वे दिल से चाहती हैं। बचपन से ही समाज सेवा के संस्कारों से युक्त सुधा मूर्ति जी जैसे सत्कर्म योगी तन मन धन सब कुछ समाज के लिए समर्पित करते हैं। सुधा मूर्ति जी और उनके इस निरलस कार्य के प्रति हमारा वंदन।